हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु डॉट कॉम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड यस, रेलवे ग्रुप डी के लिए फिर से आपकी रीजनिंग की क्लास लाइव हो चुकी है। शाम के 6 बज रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो फटाफट, रेलवे हमारा है, क्योंकि रेलवे आप ही का है ऑलमोस्ट। अभी अगर हम बात करें तो आपके मैथ्स गुरु, जीएस गुरु से चर्चा हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, किस पे? आपके वेकेंसीज पे, आपकी प्रिपरेशन पे और आपके एग्जामिनेशन के फॉर्मेट पे। 2.25 करोड़ लगभग स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा इस बार ग्रुप डी का, और उसमें से 1 करोड़ 96 लाख, यस, 1 करोड़ 96 लाख स्टूडेंट्स पेपर दे पा रहे हैं। कुछ का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी सभी तो पेपर दे ही पा रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन तो बहुत है ऑफ कोर्स। तो हर दिन उन लोगों के लिए एग्जाम है जिनका अब पेपर होने वाला है, जिनका हो चुका है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आपको इस वीडियो लिंक को शेयर करते चलना है अपने सारे सोशल मीडिया पे, क्योंकि यस, इस सेशन की प्रैक्टिस हर उस कैंडिडेट के लिए जरूरी है जिसका पेपर अभी होना बाकी है। कमेंट बॉक्स में हमें पता भी चलता है कि किसका अभी 2-3 दिन में है, किसका 8-10 दिन बाद है, किसका 15 दिन बाद है, किसका अक्टूबर एंड में है, किसका नवंबर में है। तो उस तरीके से आपकी तैयारी तो अच्छी खासी चल रही है। 30 क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी हैं, तो उन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे फटाफट आज भी इसी सेशन में। 30 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स एज यूजल, यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो 6 बजे की क्लास में जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, पेन पेपर रखो साथ में, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं पेन पेपर की ऐसा हमें लगता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल वर्बली सॉल्व कर सकते हो, और बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। आज के टारगेट की अगर हम बात करें 30 में से आई वुड से 25 मार्क्स, ठीक है, आज का टारगेट आपका है 30 में से 25 क्वेश्चंस। तो 25 के 25 क्वेश्चंस तो आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। सो होप यू ऑल आर रेडी, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, अच्छे से करना। बस ये ध्यान रखना कि आपका हर एक अटेम्प्ट एग्जामिनेशन के वो ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, राइट? चलो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। हियर कम्स द वेरी फर्स्ट वन, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। क्विकली क्विकली, चलो टाइम अप हो गया। टाइम अप होने के साथ आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 16 अक्टूबर के बाद है पेपर, ठीक है। देखो वही हमने कहा कि पेपर जब भी है तब तक आप अपनी रिगरस प्रैक्टिस बिल्कुल बंद मत करो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आ जाएगा फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा सारी चीजों को फोकस आउट करने का, राइट? चलो, तो टर्माइट वुड दीमक का लकड़ी दिया हुआ है, तो बात तो सही है क्योंकि लकड़ी में दीमक लगती है, तो कपास में या रुई में नीम नहीं लगता, जूट में रेशम नहीं होता, क्लॉथ में या कपड़े में धागा नहीं होता, बल्कि गेहूं में घुन जरूर होता है। सो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, हियर यू गो, 30 सेकेंड्स। एन ईजी वन आई गेस, कोडिंग डिकोडिंग बेस है, वेरी गुड, आंसर आना शुरू भी हो गया है, टाइम अप होते होते आंसर आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, 75 बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 की प्लेस वैल्यू, सी की प्लेस वैल्यू और डी की प्लेस वैल्यू, जब आप इन सबको ऐड कर दोगे सो यू गेट 9। तो एक्स वाई जेड के साथ भी यही होगा, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, वाई की प्लेस वैल्यू 25, जेड की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 26। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे सो फॉर श्योर यू विल गेट 75, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड।
चलो टाइम अप एंड आंसर अगर हम देखें ईवी, वेरी गुड, सारे ही ऑपोजिट्स हैं, सारे बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, ए का जेड बी का वाई। अब देखो यहाँ पे तो उसी तरीके से ये आपका डी का डब्ल्यू हो जाएगा ऑफ कोर्स, और इसी तरीके से जब आप आंसर निकालोगे ई का वी, क्यों? क्योंकि देखो ए बी फिर सी छोड़ा है तो डी है, तो डी के बाद का हमें ई लेना ही है। सो यस ई वी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड्स। ओके टाइम अप एंड यस, देखो टाइम अप होने से पहले ही आंसर आ गया है, वेरी गुड। 17 का 7, सो यस 1 × 7 7 हो गया, तो यहाँ पे 3 × 7 करोगे सो दैट विल डेफिनेटली गिव यू ऑल 21, 3 7s आर राइट। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड्स। क्विकली मतलब बोलने की देर होती है, टाइम खत्म होने के साथ ही आंसर यहां रहा। मुंबई, मुंबई इज कॉल्ड फिल्म सिटी, सो डेफिनेटली जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, पिंक सिटी मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिटी ऑफ वर्च्यू कौन सी है, सिटी ऑफ पैलेस कौन सा है, और सिलिकॉन सिटी कौन सी है। सो आई एम वेटिंग माई डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से देखते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम 6:10 से पहले ही 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, सो वी हैव टाइम, वी हैव डेफिनेटली टाइम। तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप सभी के आंसर क्या आते हैं, सिटी ऑफ वर्च्यू कौन सा है, सिटी ऑफ पैलेस कौन सा है, या तो फिर सिलिकॉन सिटी कौन सा है। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, हमारी आंखें कमेंट बॉक्स पे ही बनी हुई हैं। तो चलो देखते हैं, या सभी सारे के सारे जो हो इनको अटेम्प्ट करके बता रहे हो, पैलेस का कोलकाता, सिलिकॉन का बैंगलोर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। राजस्थान स्टेट है, अगर हम बोले सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस में एक शहर का नाम लेना पड़ेगा, सिटी का नाम लेना पड़ेगा, ना कि राज्य का नाम, ठीक है। सो यस लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ओके ओके ओके, सिलिकॉन बैंगलोर, वाराणसी महलों का शहर जो है वो कोलकाता, कोलकाता के अलावा उदयपुर भी आ रहा है कुछ लोगों का। सो यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। तो दिस शोज योर बिल्कुल कंफर्म प्रिपरेशन की अगर, अरे बफरिंग नहीं हो रही है, एक दूसरे का देख के बफरिंग मत लिखो, कोई भी बफरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं है। हम आपको फिर से दोबारा बता दें कि वीडियो हम अपने सामने प्ले कर रहे होते हैं ताकि हमें भी पता चले कि बफरिंग हुई है या नहीं। हाँ एक दो स्टूडेंट जिनको बफरिंग का इशू आ रहा है वो एक बार ये चेक कर लो कि आपका जो नेट प्लान है डेली बेसिस में जितना जीबी देता है, शाम के 6 बजने तक आपके पास कितना डेटा बचता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब कितना डेटा बचता है और आप उसको कैसे यूज कर रहे होते हो, और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन कहीं से आपका वीक तो नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। और एक दूसरे को भी थोड़ा मिसगाइड करने के अलावा ये देखो कि बस अपने पेज को रिफ्रेश करते चलो, क्योंकि अगर बफरिंग होगी सबके लिए होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। बहुत बढ़िया आंसर आना शुरू हो गया है,
टीचर का टीचिंग, अध्यापक का पढ़ाना, तो स्टूडेंट का स्टडिंग ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन आप जैसे बच्चे हो यहाँ पे तो चिट चैट भी लिख सकते हो, आप जैसे स्टूडेंट्स हो यहाँ पे तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम है। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, स्टडिंग या अध्ययन, इज द राइट आंसर। चलो लेट्स प्रोसीड, क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकेंड्स। चलो टाइम अप, टाइम अप हो गया। टाइम अप के साथ आंसर अगर हम देखें, सो आई एम गेटिंग एनीवे 74, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न क्या चल रहा है, 3 × 5 + 7, 3 × 5 = 15 होता है, 15 + 7 जब आप करोगे सो फॉर श्योर यू विल गेट कितना, 21। ठीक है, वही चीज आगे देखो, 6 × 3, तो 6 × 3 = 18 हो गया, 18 + 13 किया सो यस 9, 10, 11, तो ये आपका 31 दे रहा है। सो वही चीज आप करोगे 8, 9, 2 के साथ, तो 8 × 9, 8, 9 = 72, 72 + 2 किया सो यस 74 इज द राइट आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। ये सिंपल है, ये सिंपल है, वेरी गुड। टाइम अप होने के साथ आंसर आ गया, सिंपल वन, 7 × 5 = 35, सो 8 × 9 ऑफ कोर्स 72। ठीक है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में यस यहाँ पे 22 होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 15 + 7, 15 + 7 22 होता है, ना कि 21। तो देखो इसी तरीके से आप लोग सारे कैलकुलेशन सही करते चलते हो एंड माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक्स को आप लोग बिल्कुल रेक्टिफाई करते चलते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो, तो 15 + 7 आपका यहाँ पे 22 वाला फंडा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी 72 क्लियर है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, लेट्स सी क्वेश्चन 9, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। हाँ जीएस की क्लास होगी, बिल्कुल होगी, 7 बजे होगी जीएस की क्लास। करो क्विकली करो, चलो टाइम अप हो गया। टाइम अप के साथ अगर हम देखें यहाँ पे 0, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 0, 0, 0, 0, 0, 0, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन 3 महीने पहले हार्ड लगते थे और अब बच्चे वाले लग रहे हैं, तो भारत ओझा की बात बिल्कुल हम अग्री करते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो इन क्वेश्चंस को, ऑब्वियसली ये हार्ड नहीं, ये ट्रिकी लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, दिमाग ही नहीं चलता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑफकोर्स ये सब ईजी हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 15 + 17, सॉरी 37, सो 15 + 37 अगर हम करें यहाँ पे तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है ऑफ कोर्स आपका 52। ठीक है अब इसमें से -8 कर दो सो यू गेट 44, तो वही चीज आगे करेंगे, 7 + 6 किया तो 7 + 6 गिव्स यू ऑल 13, 13 में से 13 माइनस कर दिया सो डेफिनेटली योर आंसर विल बी 0। ठीक है चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड, और स्क्रीन को जूम इन कर ले ताकि आप क्लियरली क्वेश्चन को समझ पाए।
चलो टाइम अप हो गया है। अब आपको देखो नंबर्स और लेटर्स का कुछ गिवन सेट दिया हुआ है अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में। अब एक दो स्टूडेंट ने स्किप कर दिया है, बाकी लोगों ने ट्राई किया है। देखो कुछ नहीं करना, आपको इस एक्स डी जे पी जेड के कोड को पिक करना है। अगर हम देखें एक्स का कोड 0 है, डी का कोड हैश है, जे का कोड अगर आप देखो सो दैट इज कॉपीराइट, पी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 9, और जेड की बात करोगे तो ये हो जाएगा 6। दैट मीन्स 0 हैश कॉपीराइट 9 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑफ कोर्स। तो स्किप करने वालों थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 30 सेकेंड स्टार्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का टाइम अप भी हो गया है और आंसर कमेंट बॉक्स में अगर हम देखें सो आपके आने शुरू भी हो गए हैं। डी भी आ रहा है कुछ लोगों का, बी भी आ रहा है, बट आई गेस जितने लोगों ने डी कहा है वही क्रैक कर पाए हैं कि पैटर्न एक्चुअली क्या है। सिंपल सा पैटर्न है, फॉरवर्ड फॉर्मेट में ही चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो, 3 × 5 किया 15 हो गया, 1 × 5 किया 5 हो गया। सिंप्लीफाई करते चल रहे हो, मल्टीप्लाई करते करते, तो वही चीज आपको आगे करनी है। अब जब वही चीज आगे करोगे सो सिंपल सा फंडा है ना, 5 9 = 45 और 4 5 = 20, सो दैट मेक्स अ सेंस, 59 45 20 इज द राइट आंसर। ठीक है चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। कोई नहीं, हमें तो रखते हैं क्योंकि यू नेवर नो कब क्या कैसे हो जाए। इस बार बफरिंग हुई थी, आई अग्री, ठीक है, यहां पे भी हुई थी, पर कोई नहीं, आंसर तो आ गया है ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल सही है क्योंकि फिगर डिक्रीज हो रहा है। अब फिगर डिक्रीज कैसे हो रहा है वो समझो, यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 1 2 1, तो यहाँ पे 5 बचा। देखो 6 में से 5 हो गया, 5 में से 4 हो गया, तो अब बस 4 में से 3 हो जाएगा, और 3 में से देखो घट कहां से रहा है, राइट साइड से ही तो घट रहा है, सो यहां भी राइट साइड से घटेगा। सो यस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, 30 सेकेंड्स गो फॉर इट। करो करो क्विकली। टाइम अप, देखो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस, डेली बेसिस की प्रैक्टिस आपको ये कहने पे मजबूर कर देती है कि आज के क्वेश्चन इजी हैं, और ये हम डेली नोटिस करते हैं कि आपको अब रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस इजी लगने लगे हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर परफेक्ट प्रैक्टिस, सो कीप इट अप स्टूडेंट्स। चलो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस, तो यस 5 + 4 किया तो 9 हो गया, 9 में + 8 किया, डबल डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, 9 में + 8 किया। अब 17 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे +12 हुआ है, तो देखो 4 का डिफरेंस है ना। अब यही 29 से अगर हम देखें 45, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे +16 हुआ है, तो इधर पे भी 4 का डिफरेंस है, तो अगले में भी 4 का डिफरेंस होगा, दैट मीन्स +20 होगा 45 में, सो 45 + 20 विल गिव यू ऑल 65, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 30 सेकेंड्स गो फॉर इट।
चलो टाइम अप, टाइम अप के साथ आंसर देखें यहाँ पे। तो यस, ऑप्शन नंबर सी अनडाउटेडली द करेक्ट वन, क्योंकि अगर आप बैक साइड से देखो तो इजीली निकाला जा सकता है। 7 का 9, सो 9 में देखो यहाँ पे ये प्लस 2 हुआ है, सो ऑब्वियसली अगर हम फिर से प्लस 2 करते हैं, 11 हमें चाहिए लास्टली। दूसरा आप देखो आई जे, तो जी के बाद यहाँ पे एच होना चाहिए, सो यस एच एस, क्योंकि ऑपोजिट लेटर भी है साथ, तो एच एस 11 इज द राइट आंसर। लेट्स सी 15th क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, गो फॉर इट। क्विकली क्विकली, चलो टाइम अप हो गया। टाइम अप होने के बाद देखें यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। और एक बात बोले कि वीडियो में खांसी नहीं हो रही है, खांसी हमें हो रही है, ठीक है। तो चलो लेट्स सी 8 से 18, 18 से 57 कैसे हुआ। तो यस 1165 कुछ लोगों का आंसर आया है, आई गेस सही है, क्योंकि देखो यहाँ हो क्या रहा है, 8 × 2 + 2, तो 18 हो गया, 8 × 2 = 16 + 2 = 18 हो गया ना। अब यहां देखो क्या हुआ, 18 × 3 + 3, तो 18 3s अगर हम देखें तो 54, 54 + 3 = 57 हो गया। अब वही चीज यहां देखो, 57 × 4 + 4, सो यस 57 × 4 दैट मीन्स 228, ठीक है, प्लस 4 किया तो 232 हो गया। अब वही आगे करोगे तो क्या करोगे, 232 × 5 + 5, तो 232 × 5 दैट मीन्स 1160, एंड 1160 + 5 विल गिव यू ऑल 1165, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, 30 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप हो गया है और आंसर देखना चाह रहे हैं हम कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ऑप्शन नंबर डी एफ आ रहा है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो हमें लग रहा है कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। और जितने लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा चेकआउट कर लो जरा, एन की प्लेस वैल्यू 14, जे की प्लेस वैल्यू 10, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5। 14 में से 10 -4 हो रहा है, 10 में से 7 -3 हो रहा है, सो यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ऑब्वियसली आगे क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा दैट मीन्स यहाँ 4 आएगा, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू है, 4 डी की प्लेस वैल्यू है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ना कि ऑप्शन नंबर डी। अब ये टाइपिंग एरर अगर हुआ है, बी का डी कर दिया है, तो एक बार देखो कीबोर्ड के सामने भी बी और डी आसपास की कीज नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आपका टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17, 30 सेकेंड्स, गो फॉर इट। टाइम अप के साथ देखिए, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं कैन नॉट वाले क्वेश्चन। कैन नॉट मतलब जिनसे आपका वर्ड नहीं बन सकता या जो वर्ड नहीं बन सकता, यहाँ पूछा है विच कैन बी फॉर्म्ड, जो बनाया जा सकता है। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, सो ऑफ कोर्स कंप्यूटर सिस्टम में से जो बनाया जा सकता है दैट इज ओनली म्यूट, क्योंकि साइट में आई है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में कहीं नहीं, साइंस में भी आई है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में कहीं नहीं है, और दूसरा दो बार सी भी तो है। रूटर में अगर हम बात करें तो यहां पे आपका दो बार आर है जो कि ऊपर प्रेजेंट नहीं है, सो यस म्यूट कैन बी फॉर्म्ड।
फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड दैट इज कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, 30 सेकेंड्स, हियर यू गो. चलो बहुत बढ़िया. देखो प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने यही गलती करी है कि उनने समझा कैन नॉट, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम कैन नॉट करते हैं और एग्जाम में भी यही गलती होती है. तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी अगेन कैन भी पूछा था कि कौन सा बन सकता है. सो यस ऑफकोर्स नॉइस बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि पेपर में दो बार पी है जो कि सुपरसोनिक में नहीं है. माइग्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ तो एम ही नहीं है कहीं, पावर की बात करें तो डब्ल्यू ही नहीं है. ठीक है, सो नॉइस इज द वर्ड जिसको बनाया जा सकता है. चलो लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 19, हियर यू गो. चलो टाइम अप हो गए हैं. धर्मेंद्र कुमार का क्वेश्चन ले लेते हैं कमेंट बॉक्स से कि ग्रुप डी के तीसरे शिफ्ट में एक प्रश्न का आंसर चारों भी कॉल को मैसेज कोई नहीं था, मतलब कोई भी ऑप्शन में से नहीं था, तो इसे हमें बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर दो, स्किप कर दो, वो बेस्ट पार्ट होता है, रादर की अटेम्प्ट करो आप. ठीक है, चलो अब देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया. ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1. तो बिल्कुल देखो अब इसको डिक्शनरी ऑर्डर पे या शब्दकोश के क्रमानुसार जमाना है. अब अल्फाबेटिकली जब आप लोगे तो एस के बाद एच, एच के बाद आई आता है ना, तो उसमें भी SHI L पहले आएगा, तो ये शिलोंग आ गया पहले, देन आपका आएगा शिमला, शिमला के बाद आ जाएगा फिर श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद आ जाएगा सिंगापुर, SI. ठीक है, तो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 20, 30 सेकेंड्स, गो फॉर इट. करो करो फटाफट. बिफोर गेटिंग द टाइम ओवर आप सभी के आंसर आ गए हैं, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी लेकिन मिक्स आंसर्स हैं, मैक्सिमम जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं. एंड आई वुड से कि ऑप्शन नंबर ए इज ओनली द राइट आंसर, कार्डमोम या इलायची, क्योंकि देखो कैश्यूनट, आलमंड और ग्राउंड नट ये सारे के सारे आपके ड्राई फ्रूट्स में काउंट होते हैं, है ना, या नटी फ्रूट्स में काउंट होते हैं. ठीक है, सो इसीलिए कार्डमोम या इलायची इज द राइट आंसर. चलो और कार्डमोम इलायची को हम मसालों में भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं. ठीक है, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट वन, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड. वेरी गुड, आज तो बिफोर टाइम अप होने से पहले ही आप सभी के आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस, 33 बिल्कुल सही है, तो डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि देखो 13, 37 और 19 ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं. अग्रीड, एंड 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर. चलो लेट्स सी द 22nd क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड.
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2341 ही आएगा। पहले शिलोंग फिर शिमला, LMNO, अल्फाबेटिकली देखना पहले एल आता है, ठीक है एक बार चेक कर लेना। चलो गुड, टाइम अप होने के साथ आंसर देखें यहाँ पे 7465, 2413, 5879 और 3645 में से आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग का बी भी आ रहा है बट आई वुड से कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, क्योंकि बाकी सारे ऑल आर फ्रेम्ड या फॉर्म्ड बाय कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? लगातार वाले नंबर्स। तो जरा देखो 7465, 4567 है, 2413 की अगर हम बात करें सो 1234 है, 5879 की अगर आप बात करो तो 5789 कंसेक्यूटिव नहीं है। वहीं 3645 की बात करें सो यस 3456, वॉट माई पॉइंट, सो 5879 इज द ऑड वन। चलो लेट्स गो फॉर 23rd क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। और फिर से स्क्रीन को जूम इन कर लेते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पाओ। चलो टाइम अप हो गया। टाइम अप के साथ देखें मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड यस, ऑप्शन टफ लग रहे हैं लेकिन इजी है, इजी है। अरे अभी तो क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तक लग रहा था सब कुछ हमारे कंट्रोल में है लेकिन अब मे बी शायद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। लेट्स चेक इट आउट। 23 23 देखें यहाँ पे क्या है। प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, विचार विमर्श या परिचय। इसको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, अर्थपूर्ण क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे पहले आपका अराइवल होगा। अराइवल होगा तब तो फिर आगे बात बनेगी। अराइवल के बाद इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है ना। अब अराइवल हो गया, अराइवल के बाद इंट्रोडक्शन हो गया, अब इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली फिर प्रेजेंटेशन आप दोगे, प्रेजेंटेशन के बाद फिर डिस्कशन होगा और डिस्कशन अगर कंक्लूजन पे निकलेगा सो रिकमेंडेशन तक पहुंचेगा। दैट मींस आपका आंसर जो होगा वो होगा 3514 2। सो 3514 2, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे 24th क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। चलो टाइम अप, टाइम अप के बाद देखें यहाँ पे अब क्या हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग है, SUBHAM। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, SHUBHAM करके कर लो तब तो दिक्कत आ गई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो SUBHAM। तो S का हो गया आपका 19, U का हो गया 21, B का हो गया 2, H का हो गया 8, A का हो गया 1, M का हो गया 13। प्लेस वैल्यूज है। अब इनको और सिंप्लीफाई करें, 1 और 9 10 होता है, 10 को और सिंप्लीफाई करो तो 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो गया, अब सिंप्लीफाई कर दो तो दैट विल गिव यू ऑल 29564। सो 29564 दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन। चलो वेरी गुड, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25th। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, स्क्रीन को जूम इन ताकि आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। अब देखो कुछ लोग समझदारी दिखा रहे हैं स्किप 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 कह के, लेकिन फिर भी ट्राई करो एटलीस्ट।
देखो स्किप 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 कर दिया तो कोई नहीं, अब देखो वही कह रहे थे ना कि इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आ गया ना यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन और स्किप कर दिया है, तो आई वुड सजेस्ट कि अब बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ट्राई करो गलत करो तो इससे बेटर है स्किप कर दिया। अभी तक के 24 क्वेश्चंस तो तब सब सही हो गए होंगे, 25th स्किप कर दिया है, चलो कोई नहीं, पर फिर भी हम समझा देते क्या हुआ। डिवाइड का इम्प्लाई है इक्वल, मतलब डिवाइड को इक्वल बोला जाता है, मल्टीप्लाई को लेसर बोला जाता है, ध्यान से समझना, प्लस को ग्रेटर बोला जाता है और माइनस को मल्टीप्लाई बोला जाता है, और ग्रेटर के साइन को डिवाइड का साइन बोला जाता है, ठीक है, और लेसर के साइन को प्लस का साइन बोला जाता है, और इक्वल के साइन को माइनस का साइन बोला जाता है। तो अब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सी अभिव्यक्ति सही है। सही है मतलब सत्य है, थोड़ा सा फोकस करें। पहला वाला हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 1 माइनस 3। अब 1 माइनस 3 की बात अगर हम करें तो माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई था, तो ये 1 इंटू 3 हो गया, हम यहीं यहीं लिखते हैं, बताते हैं फिर क्या होगा। ग्रेटर की बात अगर करें तो ग्रेटर इंप्लाई डिवाइड कर रहा था, तो ये डिवाइड बाय 2 हो गया, प्लस का मतलब ग्रेटर था तो ग्रेटर 1 हो गया, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई 5 हो गया, इक्वल का मतलब माइनस था तो यहाँ पे 5 माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस का मतलब अगर हम देखें फिर से मल्टीप्लाई था तो ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और लेसर का मतलब, लेसर का मतलब आपका प्लस था तो ये +2 हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 इंटू 3, अब बस देखो हमने यहाँ पे नंबर भी बता दिए, 1 इंटू 3 डिवाइड 2 ग्रेटर 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा क्या वो हम बताते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक करना और फिर देखना क्या है। 1 3 ज़ा 3 होता है तो ये तो आपका 3 बाय 2 हो गया, अब 3 बाय 2 ग्रेटर 1 5 ज़ा 5 -3 1 ज़ा 3 +2, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 बाय 2 ग्रेटर देन 5 माइनस 3 +2, तो देखो 5 माइनस 3 ये तो ऑब्वियसली आपका 2 प्लस 2 ही हो जाएगा, तो आएगा कितना 4 ना, दैट मीन्स हमें मिल रहा है यहाँ पे 3 बाय 2 ग्रेटर देन 4, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ भी चेक करना है, राइट आंसर क्या होगा वो हम बता देते हैं। सो राइट वन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो आएगा 3 बाय 2 डिवाइड 1 लेसर 5 ग्रेटर 3 बाय 2, क्योंकि देखो 3 बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 और ये पूरा लेसर है 5 से, एंड 5 इज ग्रेटर देन 3 बाय 2। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 26th क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, गो फॉर इट, अगेन टाइम टेकिंग हो सकता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। चलो टाइम अप हो गया है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, टाइम टेकिंग है, टेंशन में डाल दिया, मतलब वही है ना, वही है कि आप सभी कर पाए तो अच्छा लगता है, इजी लगता है, और नहीं कर पाए तो फिर डिफिकल्ट लगने लगता है, स्किप भी कर देते हैं कुछ लोग, चलो दूसरा भी स्किप कर दिया, दिमाग हिल गया। दिमाग हिलने के अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो राजन राज का कहना है होमवर्क दे दें इसको, होमवर्क दे दें क्या, दे देते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल हम होमवर्क दे देते हैं, बट राइट आंसर क्या है वो तो डिक्लेयर हो ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले वो आपको पता चल ही जाएगा। कुछ मत करना, सिर्फ इन साइंस को रिप्लेस कर देना, कैसे करना वो हम बताते हैं, और होमवर्क में करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, करना जरूर। 200 × 100 +300 × 200 -10 / 2 +40, अब जब आप इन साइंस को रिप्लेस करोगे प्लस मीन्स माइनस से, इन सारी की सारी वैल्यूज से, तो आंसर जो निकल के आएगा, क्योंकि आपको बताना है वैल्यू 0 कर देनी है, ठीक है, दैट मींस इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपकी डिमांड पे होमवर्क है, नहीं तो हम सॉल्व करके बताते ही, ठीक है। जितने लोगों ने निकाल लिया है ऑप्शन नंबर बी निकाला है, गौरव द्विवेदी ने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो सही है, बाकी लोग ट्राई जरूर करेंगे। चलो
लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 27, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। देखो इजी क्वेश्चन कराओ तो ऐसा पेपर में नहीं आता, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दो तो कॉन्फिडेंस क्यों लो कर रही हो, ऐसी सारी बातें होने लगती हैं। तो कोई नहीं, हम समझते हैं आपकी स्टूडेंट थिंकिंग, स्टूडेंट मेंटालिटी बदलेगी नहीं, क्योंकि करना भी इजी चाहते हो और पेपर में जो आता है उस हिसाब से भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन अगर वैसे आएंगे भी टाइम टेकिंग तो आप उन्हें स्किप कर देना। डायरेक्शन बेस का क्वेश्चन है, ईजी है, 20 मीटर्स आंसर आ रहा है और 20 मीटर्स देख के हमें हंसी भी आ रही है बिल्कुल, लेकिन 50 मीटर्स देख के हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे आपकी अलर्टनेस, एक्टिवनेस और आपका फोकस पता चलता है। चलो देखे क्या किया रोहित ने। रोहित ने 30 मीटर चला है साउथ, ठीक है, फिर वो राइट टर्न चला है और 30 मीटर्स चला है, फिर वो लेफ्ट टर्न चला है 20 मीटर्स चला है, फिर वो लेफ्ट टर्न चला है और 30 मीटर्स चला है। अब यहां पे आ गया ना, ये उसका रीचिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पोजिशन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थिति से दूरी बतानी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये 30 तो रहेगा ही और 30 के बाद ये 20 और हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर जो है वो है 50 मीटर्स, ना कि 20 मीटर्स, राइट। तो ये गड़बड़ करी। चलो आगे बढ़ते हैं, 28, 30 सेकेंड स्टार्टेड। कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ रहे थे, कब आएगा, कब आएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये रहा कैलेंडर का क्वेश्चन, करो जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 25, 26 में किसका हाथ है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक था क्योंकि अचानक से आ गया, पर ठीक है, करेंगे, दोबारा से करेंगे आप सभी, है ना। अब देखें यहाँ पे क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। यदि एक महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो निम्न में से कौन सा अगले महीने के अंतिम दिन होगा जो 31 दिनों का होता है, ठीक है। आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो ये जो सेकेंड डे ऑफ द मंथ है ये अप्रैल का भी हो सकता है, मतलब ये किसी भी 30 डेज के मंथ का हो सकता है, हम सिर्फ अप्रैल नहीं बोल रहे हैं बल्कि 30 डेज के किसी भी मंथ का हो सकता है, बट ये फेब्रवरी का भी तो हो सकता है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मार्च आता है उस मार्च में भी 31 डेज ही होते हैं। सो दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वी आर नॉट श्योर, सो फॉर श्योर आंसर जो है वो है डेटा इनएडिक्वेट। चलो आगे बढ़ते हैं, 29, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। हाँ तीसरी पॉसिबिलिटी 31 की भी है, क्योंकि जुलाई अगस्त 31 31 दिन ही होते हैं, अग्रीड। ऑर्डर एंड रैंकिंग है, करो क्विकली, और थोड़ा सा ट्विस्टेड है। चलो टाइम अप, 35 स्टूडेंट्स हैं, कुणाल की प्लेसिंग 18th है ऊपर से, सॉरी नीचे से, और सोनाली की प्लेसिंग ऊपर से 20th है, पुलकित उनके बीच में है, ठीक बीच में नहीं हुई बेटे, अब बफरिंग, कहीं बफरिंग नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई है, करते रहो क्वेश्चन अच्छे से। चलो लेट्स चेक इट आउट, 35 क्वेश्चंस, अब कुणाल 35 क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी 35 स्टूडेंट्स में कुणाल की प्लेसिंग, अब अगर हम कुणाल को प्लेस करें, हम इस तरफ कर देते हैं, कुणाल की प्लेसिंग 18 हो गई, कहां से, फ्रॉम द बॉटम। अब आप बताओ 35 में से जब आप 18 स्टूडेंट्स को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, राइट। अब इस हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे
सो फॉर श्योर आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में आ भी रहा है आप सभी का, दैट इज द गुड वन, गुड वन, बिल्कुल वेरी गुड। इसको थोड़ा सा ट्रिकी करना बनता था, बिल्कुल बनता था, और सेकंड भी आ रहा है कुछ लोग का, फर्स्ट भी आ रहा है कुछ लोग का, थर्ड भी आ रहा है। सबसे पहले तो ये बताओ कि प्लस माइनस सही किया है कि नहीं किया है। 35 माइनस 18 जब आप करोगे, सो 35 माइनस 18 आपको 17 ही तो देगा, है ना। और हमें लग रहा है कुछ लोग 27 लेके बैठे हुए हैं, और इस वजह से वो बीच में सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन पे लेके आ रहे हैं, राइट। तो आपका ये 17 हो गया। अब इन 17 स्टूडेंट्स में से जब आप सोनाली को प्लेस करोगे ऊपर से 20, तो देखो यहां बचे 17 स्टूडेंट्स, 17 के बाद कुणाल ऊपर से भी 18 है, 19 एंड देन 20, ये हो गया आपके सोनाली की पोजीशन, टॉप से 20। अब पुलकित जो है वो इनके एग्जैक्टली बीच में है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, कुणाल की पोजीशन पुलकित से, कुणाल की स्थिति पुलकित से क्या होगी। सो कुणाल की स्थिति या पोजीशन पुलकित से ऊपर है ना या फर्स्ट है, तो इसीलिए आंसर जो होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको भी पीडीएफ से देखना दोबारा जरूर। आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। करो करो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन। ओके टाइम अप। अब अक्सर हम क्या होता है, वर्ड्स देते हैं और फिर उसका वेन डायग्राम पूछते हैं। यहां हमने वेन डायग्राम दे दिया, फिर उसका वर्ड पूछा है आपसे। तो यस, ऑप्शन नंबर ए टाइप कर रहे हो, करोगे ही, हमें पता है ना, क्यों नहीं करोगे। एनिमल, इंसेक्ट, कॉकरोच, पर ये बताओ कॉकरोच तो खुद ही इंसेक्ट है। एनिमल मेल फीमेल कैसे एक सा होगा। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो स्टेट स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आएगा, बट यूनियन टेरिटरीज जो है या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अलग से आएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलो तो इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन टुडे। फटाफट, वीडियो पसंद आया है तो ऑफकोर्स लाइक करना है, क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ पे व्यूइंग रेशियो और लाइकिंग रेशियो में बहुत डिफरेंस है। तो क्विकली लाइक के बटन पे क्लिक करो और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताओ जल्दी से, क्योंकि आज का टारगेट हमने आपको दिया था 30 में से 25, जिसमें हमें पता है 2 क्वेश्चन तो आपने स्किप किए हैं और 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। तो कितना बना स्कोर, लेट्स सी, लेट्स सी। 27, वेरी गुड, 27, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए 26 भी बना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 26, 27, 21 भी बना है कुछ लोग का, 23 भी बना है। तो ये लेट आने वाले बच्चे हैं, लेट ही आए हैं और क्या है। पर बाकी जो रेगुलर बने हुए हैं वो 26, 27, 28, वेरी नाइस। तो चलो, अ गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड। मुलाकात होगी अब आपसे कल शाम को 6 बजे फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।